आपको शामसुंदर सक्सेना, वेलकम टू सक्सेना सर कोचिंग क्लासेस। क्या सक्सेना सर कोचिंग क्लासेस लोकेटेड एट आजवा रोड वडोदरा गुजरात इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। वो आइलैंड में लोग कैसे होते हैं, वहाँ का वेजिटेशन कैसा रहता है, वहाँ के कपड़े कैसे रहते हैं, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा समराइज कर देता हूँ उस टॉपिक को ताकि आपको पता चल पाए आने वाले टॉपिक में, आने वाले टाइम में आप क्या देखने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करना, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, चलो आगे। क्लाइमेट कैसा होता है, वेजिटेशन कैसा होता है, एनिमल्स कौन से कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं, उस टाइम वो हंटिंग कैसे क्या करते थे, आज के टाइम में हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इनके घर कैसे होते हैं, उस टाइम वो कैसे जीते थे, आज के टाइम में कैसे जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी आजकल हर जगह हो गई है, इवन इन ऑन दिस आइलैंड विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना कंपलसरी, एंड पसंद है तो लाइक करना। ठीक है, चलो। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यू। क्या है न्यू? ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। आर्कटिक सर्कल जो आप जानते हैं कि आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू, आर्कटिक सर्कल जो होता है जहाँ से भी जो भी कंट्री या आइलैंड आर्कटिक सर्कल से क्रॉस होती है या आर्कटिक सर्कल के ऊपर या उसके आजू बाजू आती है, वहाँ पर ठंडी होती है ना। सेम वे ग्रीनलैंड से भी आर्कटिक सर्कल क्रॉस हो रहा है, दैट्स द रीजन इट इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखोगे 80% बर्फ होती है वहाँ पर। ठीक है, चलो। 80% ऑफ द एरिया लैंड इज कवर्ड विथ आइस। क्या है? 80% ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ आइस। ठीक है, सो मोस्ट ग्रीनलैंड कम्स इन अ फ्रिक जोन। इसी रीजन से कि आर्कटिक सर्कल की पास होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्री ग्रीनलैंड कम्स इन अ फ्रिक जोन। कौन से जोन में आता है? फ्रिक जोन। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। कौन से दो तरह के हेमोस्फीयर होते हैं, सदर्न हेमोस्फीयर, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। इधर क्या है? नॉर्दर्न। ये लाइक वाला नहीं है, लाइक नहीं करना, ऊपर साइड। चलो, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर, इट इज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जो मैं बता चुका हूँ। आर्कटिक सर्कल जो भी चीज़ क्रॉस होती है वो बहुत कोल्ड होती है। ठीक है, एंड 80% ग्रीनलैंड कवर्ड विद आइस। ग्रीनलैंड 80% जो ग्रीनलैंड जो है आइस से कवर्ड, बर्फ ही बर्फ, हर तरफ बर्फ, चारों तरफ बर्फ, ऐसे 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 बर्फ ही बर्फ का चारों बाजू। 80% जगह, 80% लैंड जो होती है आइलैंड की, जो विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, 80% लैंड उसकी बर्फ से कवर अप है। ठीक है, नो वेजिटेशन एक्सेप्ट सम प्लांट्स इन द समर। जब आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, दैट्स द रीज़न वहाँ पर कोई पेड़ पौधे ज़्यादातर नहीं होते हैं एक्सेप्ट समर। समर में कुछ पौधे देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से एनिमल वहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स वही एनिमल्स हम वहाँ पर देख पाएंगे जो एक्सट्रीम कोल्ड, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोल्ड को हैंडल कर पाए। ठीक है, जैसे कि पोलर बेयर, रेनडियर, मस्क, ऑक्स, वुल्फ, सी एंड आर्कटिक। ठीक है, दीज आर द फ्यू एनिमल्स जो वहाँ पर पाए जाते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड को हैंडल कर पाते हैं। अब वहाँ के जो लोग होते हैं उसको एस्किमोज कहा जाता है। ठीक है, जो इस आइलैंड पर रहते हैं, ग्रीनलैंड आइलैंड पर रहते हैं, उन लोगों को एस्किमोज कहा जाता है। ठीक है, और इन एस्किमोज की लाइफ कैसे चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज आपको हम सभी जन कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस कर रहे थे, क्यों? अपनी लाइफ चलाने के लिए, इन्हें अपने घर को चलाने के लिए। सेम वे एस्किमोज अपने घर को चलाने के लिए हंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? हंटिंग, अपने घर का चलाना पड़ेगा ना उनको, हंटिंग करते हैं। हंटिंग के लिए खाने के लिए की जाती है, पहली चीज़ खाने के लिए की जाती है, दूसरी चीज एनिमल्स को भी वो यूज़ करते हैं कपड़े पहनने के लिए, जूते बनाने के लिए। तो सीरल होती है उसके, वो जूते बनाते हैं। ठीक है, ताकि उनके पैरों को ठंडी ना लगे। ठीक है, चलो। पहले के टाइम में जो एस्किमोस थे, बोज एंड एरो, तीर कमान बोलते हैं ना ऐसा करके, तीर कमान यूज़ करते थे हंटिंग करने के लिए।
लेकिन आज के टाइम एस्किमोज बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, गन वगैरह। गन्स यूज करने लगे हैं, ठीक है। अब जो भी हंटिंग करते हैं गन से करते हैं। चलो उसके बाद आते हैं हाउसेस। वो कौन से हाउसेस में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। जिस हाउस में वो रहते हैं उसको बोलते हैं इग्लू। बर्फ से बना हुआ होता है। कभी टाइम मिले तो ग्रीनलैंड जाके आना, बहुत अच्छी जगह है, इस समय इसी, ठीक है। सेटल लाइफ, पहले के टाइम वो सेटल लाइफ नहीं जी पाते थे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो खाने पीने के लिए एनिमल्स डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स। अभी एक एरिया में नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेसिफिक होंगे, लिमिटेड होंगे। जब वो उनकी हंटिंग कर लेंगे उसके बाद उनको खाने को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? उनको क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मीन्स एक जगह के जानवर खत्म होते, दूसरी जगह जानवर खत्म होते, तीसरी जगह। सो दे कीप अ मूविंग ऑल अराउंड और ऑल ओवर द ग्रीनलैंड, राइट। चलो लेकिन ये पुरानी बात है, आज की नहीं। आज के टाइम में वो फिशिंग करते हैं। फिशिंग यानी मछली पकड़ना। जाल फेंको, मछली पकड़ो, लाओ, ठीक है। फिशिंग करके खाने लगे, उसका बेनिफिट क्या हुआ उनको? जो वो अनसेटल लाइफ जीते थे, पूरी दुनिया ग्रीनलैंड में घूमना पड़ता, घूमना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे के, मीन्स एक बार वो फिशिंग करने जाते हैं, वहाँ से इतनी फिश पकड़ के लाते हैं वो, कि उनका काफ़ी दिन तक, कई दिनों तक चल जाता है, ठीक है। एंड वो लाइफ टाइम इसी तरीके से एक ही जगह रह के गुजार सकते, मीन्स दे आर लिविंग अ सेटल लाइफ। क्या अब वो लोग एक सेटल लाइफ जीने लगे, ठीक है। चलो टोटल पॉपुलेशन आज ये वहाँ की जो मानी जाती है 56,000, जो इंडिया के छोटे से गांव से भी कम है। आज छोटे छोटे गांव की बात करें तो कुछ गांव है जिसमें उससे भी कम होगी, लेकिन मेजर ले 56,000 कुछ भी नहीं होता। वहाँ की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। अभी वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी होता है मैंने आपको 56,000, ठीक है। वहाँ का कैपिटल क्या बताया मैंने? न्यू का कितना होता है? 15,500। कितनी है वहाँ पर न्यू की पॉपुलेशन? 15,500, ठीक है। विच इज़ द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा वो न्यू की माना जाता है ग्रीनलैंड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है होल्स्टेनबर्ग, जिसके अंदर 5,500, कितने 5,500 पॉपुलेशन है, विच इज़ सेकेंड बिगेस्ट टाउन, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री में आपको समझा चुका हूँ कि वो लोग फिशिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर पाया जाता है, और जो एग्रीकल्चर पाया जाता है बहुत कम लैंड पे एग्रीकल्चर किया जाता है, और जो वो लैंड है वो भी साउथ वेस्ट में, कितने में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रीन लैंड, जहाँ पे कुछ वेजिटेबल, फॉर एन एग्जाम्पल पोटैटोस और वगैरह वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक कैसे होता है? ऐसा एक ऐसा हाथ बना होगा, उस पर क्लिक करना होता है लाइक करने के लिए, ठीक है। किसको? सक्सेना सर, किसको? सक्सेना ईस्ट बेस्ट, सक्सेना से बेस्ट, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यस या नो। पसंद अगर पसंद आए तो भाई ये सीरियस लिखिए, नहीं पसंद आए तो नो लिखिए। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी लाइफ टाइम में अपने सारे वीडियो दूं तो कैसा रहेगा? बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट। फायदा होगा नुकसान होगा? अगर फायदा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और नुकसान होगा तो मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे लगता है फायदा होगा तो सब्सक्राइब नाउ, राइट नाउ सब्सक्राइब ही, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो मिलेंगे नाउ, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस है सर हमेशा आपके साथ, आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।